चुनावी महादंगल 2019 आ गया है लोकतंत्र का सबसे बड़ा संग्राम। कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन होगा किंग मेकर? कांग्रेस के हाथ आएगी सत्ता या फिर भाजपा बचाएगी कुर्सी? क्या नोटबंदी जीएसटी का पड़ेगा असर या फिर राष्ट्रवाद रहेगा हावी? देखिए 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ INN24 न्यूज पर। राष्ट्र आकोला की नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति के उम्मीदवार हिदायत पटेल साहब के पास आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि लोकसभा में इनकी तैयारियां किस तरह की चल रही है और इनकी चुनाव की क्या रणनीति है और विकास के मुद्दों पर इनसे चर्चा करने के लिए आइए हम हिदायत पटेल साहब से बात करते हैं। हिदायत पटेल साहब, सबसे पहले तो आपका INN24 में स्वागत है। शुक्रिया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में आकोला के अंदर किस तरह के विकास के काम हुए और आप इसके बारे में क्या करना है कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार ने यहाँ पर और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव खासदार धोत्रे, यहाँ पर कोई विकास हुआ नहीं। यहाँ सभी विकास से वंचित है। यहाँ कोई इंडस्ट्री आई नहीं। यहाँ का सुशिक्षित, यहाँ का मजदूर ये काम के लिए बाहर जा रहा है। आज यहाँ पर कोई रोजगार नहीं, यहाँ पर शहर का कोई डेवलपमेंट नहीं। जो डेवलपमेंट हुआ उसमें महानगर पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, उसका पैसा भी पृथ्वीराज जी चौहान साहब ने लाए थे। उसके बाद यहाँ पर गडकरी जी जो आए थे उसमें धोत्रे साहब ने कार्यक्रम लिए थे, तो उसका भी कोई विकास आत्मक सिर्फ घोषणा हुई, काम हुआ नहीं। इसी तरीके से इस अकोला जिले के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्र में किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उनका विकास हुआ नहीं। किसानों को जो सब ये मिलना चाहिए था उनके माल का दाम मिला नहीं, उनकी माल की खरीदी हुई नहीं। और शिक्षण क्षेत्र में हमारा जिला पिछड़ गया, आरोग्य के क्षेत्र में हमारा जिला पिछड़ गया, हमारे जिले की फिर वो एयर सर्विस हो जिससे उद्योग बढ़ सकता था या हमारी रेलवे लाइन हो, सभी प्रश्न प्रलंबित है। कौन का भी विकास ही करने में सक्षम नहीं। प्रकाश अम्बेडकर से जो युति नहीं हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल जी ने सभी विचार पक्षों से पूरे देश में एक साथ लड़ने की कोशिश की, क्योंकि इस देश के अंदर 2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कि ये देश में मोदी जी एक डिक्टेटर हुकुमशाह के रूप में, इस देश में उन्होंने हुकुमशाही लाने की कोशिश की। ये देश में हर व्यक्ति असुरक्षित है, फिर वो दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सब असुरक्षित, हमारी माएँ बहने हो, सब असुरक्षित है। इस देश की घटना धोखे में, इस देश की लोकशाही धोखे में है। ऐसे परिस्थितियों में पूरे देश में राहुल जी ने एक समविचारी पक्षों से मतों का विभाजन टालने के लिए पूरी कोशिश की। उस तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी बाला साहेब अम्बेडकर से बार बार जाकर बात किया, उनकी तमाम डिमांड मंजूर की। उसके बावजूद भी वो उन्होंने युति नहीं किए, ये कांग्रेस की तरफ से पूरे युति के प्रयत्न हुए लेकिन उसको रिस्पांस अम्बेडकर जी ने नहीं दिया। इसका कारण तो उनको ही पूछना पड़ेगा। अकोला के अंदर आप क्या रणनीति है और आप किन मुद्दों पर लेकर अकोला का चुनाव लड़ना चाहते हैं और विकास के आपके पास क्या क्या आगे मुद्दे होंगे और जनता को आपसे क्या अपेक्षा होनी चाहिए? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे देश के नेता हमारे आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने इस देश को सबसे पहले लोकशाही को बचाना और इस देश की घटना बचाना, इस देश की संस्कृति आज धोखे में है, इस देश के की CBI सुरक्षित नहीं है, इस देश की जुडिशियरी सुरक्षित नहीं है, इस देश की निवडणूक आयोग जो 5 स्वायत्त संस्था है आज अड़चन में आ गए, हमारे जुडिशियरी के जज प्रेस के सामने आए, ये देश की आर्थिक व्यवस्था बरोबर नहीं है, ये देश की कोई भी व्यवस्था बरोबर नहीं रही। इस सबको संभालने के लिए उन्होंने उसका जो विरोध किया, तो और ये जो मोदी सरकार है इन्होंने सब क्षेत्र में अपयश हुआ, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, एक भी नौकरी कहीं मिली नहीं, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, हर एक के अकाउंट में 15 लाख देंगे, हम उज्ज्वला गैस योजना के नाम से एक बार गैस सिलेंडर दिया गया वो वैसे ही पड़े हुए हैं, और गरीबों को किसान सुशिक्षित बेकार कोई भी क्षेत्र में सब क्षेत्र में ये अपेक्षा हो गए। हमारा एजेंडा ये रहेगा कि कांग्रेस ने इस देश का विकास किया
इस जिले के जो विकासात्मक मुद्दे है, इस जिले में आरोग्य के लाइन से हो या धड़न वड़न के मार्ग से हो, ये सभी क्षेत्र में केवल नई इंडस्ट्री लाना हो या यहाँ के एयर सर्विस का काम हो, रेलवे का काम हो, या यहाँ के शैक्षणिक क्षेत्र को आगे ले जाना हो, या जिले का सभी तरीके की विकास का एजेंडा इमीडिएट अभी हमारा जाहिरनामा आने वाला है, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और जिले का हम आपके सामने रखेंगे। क्या आपको विश्वास है कि अकोला की जनता कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर और आप पर भरोसा जताएंगे? निश्चित, क्योंकि इस बार पूरे देश का माहौल इस तरीके से होगा कि ये लोग समझ चुके कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की क्या हालत बना दी। इस देश को कोई सुरक्षित नहीं है, इस देश के ये तमाम माहौल से जनता त्रस्त हो गई, इसलिए। और दूसरी वजह, सेकुलर वोटों का बंटवारा इस बार नहीं होगा, क्योंकि अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र, वहाँ पर भी मतों का विभाजन करने के लिए दूसरी पार्टियां खड़े रही, लेकिन जनता को मालूम है कि इस देश का विकास कांग्रेस कर सकती है, इसलिए यहाँ कांग्रेस की ही जीत होगी। और सेकुलर मत एक जगह आने के बाद कांग्रेस की जीत को कोई रोक नहीं सकता। पिछले 5 सालों में आम जनता के अंदर जो विकास को लेकर भाजपा सरकार पर विश्वास जताया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के अंदर डर और भय का माहौल भी पैदा किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, ये सभी जनता जानती है, और डर और भय का माहौल तो है, क्योंकि इन्होंने हर इंसान को आज कि इस देश में क्या क्या नहीं हुआ, यानी इस देश में धर्म जाति के नाम पर असुरक्षिता हुई, धर्म हमारी धर्म की पूजा या धर्म के हर आदमी धर्म को मानने वाला वो किस तरीके से माने उसमें हस्तक्षेप, हम क्या खाए पिए उसमें हस्तक्षेप, हर चीज़ में इन्होंने हस्तक्षेप करके माँ बहन जैसे प्रकार होने के बाद ये उस पर यश नहीं मिला सके। हमारी माँ बहने आज सुरक्षित नहीं है, इसलिए सभी लोगों के अंदर दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, किसान हो, सुशिक्षित बेकार हो, सबके अंदर भय का माहौल है। यदि अकोला की जनता राहुल गांधी पर, आप पर और कांग्रेस पर विश्वास जताते हुए आपको चुनकर देती है, तो आपकी विकास की रणनीति क्या होगी आगे के लिए? अकोला का भविष्य किस तरह का होगा? अकोला का भविष्य हमारे कांग्रेस के पास सबसे पहले, तो इस देश को और अकोला को भी जो कुछ आगे लेके गया वो कांग्रेस ने लेके गया, और हमारा खुद का मैनिफेस्टो जाहिर करने वाले है। अभी राहुल जी ने हर व्यक्ति को कम से कम 12,000 रुपये उत्पन्न मिलना चाहिए, ये दृष्टि से नई योजना लॉन्च की, उसमें हर महीने हरेक को कम से कम 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरीके से कांग्रेस के माध्यम से हर आदमी के व्यक्ति के हाथ को काम दिया जाएगा, उसके लिए कोशिश होगी। किसानों के मान के उचित दाम दिए जाएंगे, किसानों को कर्जा माफ किया जाएगा, और इस तरीके से सुशिक्षित बेकार है उनको नौकरी देने का काम, और इन तमाम काम कांग्रेस के माध्यम से हम इस देश में, इस जिले में करेंगे। आखिरी सवाल, आप जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं आपके प्रति, कांग्रेस के प्रति? नहीं, जनता से मेरा ये आह्वान है कि जनता अब जागे और हमारे सेकुलर मतों का विभाजन ना होने दे, और इसी तरीके से इस देश में, इसलिए कि इस देश को बचाना है, इस देश की लोकशाही को बचाना है, इस देश की घटना को बचाना है, संविधान बचाना है, इसलिए सब देश की जनता और अकोले की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि आप एकत्रित आइए, आप मुझे और मेरे पार्टी को, खासकर जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कांग्रेस को चुनके दीजिए, मैं आपके विश्वास को तड़ा नहीं जाने दूँ। ये थे हमारे साथ हिदायत पटेल साहब, जिनका कहना था कि अगर अकोला से कांग्रेस और राहुल गांधी को चुनकर दिया जाता है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं किसानों का कर्ज माफी और बहुत सारे मुद्दों पे जो विकास के काम है उसको बढ़ाते हुए अकोले का विकास किया जाएगा। मैं INN24 से शाहिद इकबाल और मेरे साथ कैमरामैन इमरान अंसारी।